भाइयों उनकी बहनों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे आपका सब क्या फायर के इनके ब्लॉग से। फिर स्वागत है आप लोग का मेरे कमाल के न्यू वीडियो का। तो फिर से कमाल का ब्लॉग दोस्तों लेके आ चुका है। तो पिछली वाली मैंने वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था गाड़ी हम लोग की पूरी तरह से मोटर वगैरह असेंबल हो चुका था, जो जो इसमें फिट करना था सारा कुछ फिट हो गया था। तो आज फाइनली जो गाड़ी हम लोग की रनिंग के लिए तैयार हो चुकी है, तो आज हम लोग इस गाड़ी को जो चला के दिखाएंगे। गाड़ी में बिल्कुल साउंडलेस गाड़ी, इसमें बैटरी भी फिट हो चुका है। तो सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊँगा कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे ऑपरेट किया जाए, क्या क्या इसमें फंक्शन है, सारा कुछ दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इंडिया में ये वन एंड ओनली फर्स्ट गाड़ी होने वाली है सेंट्रो पे, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च करके इस गाड़ी को बनाए हैं और आज फाइनली ये गाड़ी चलने लगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बूम। हाँ गाइस, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे गाड़ी पे बैठ चुके हैं। अभी हम गाड़ी को जो थोड़ा ड्राइविंग करके आप लोग को दिखाना, क्योंकि फाइनली हम लोग की गाड़ी जो यहाँ पे चलने के लिए रेडी हो चुकी है। जो जो टेक्निकल सब काम था वो सारा काम हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर अभी आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड जैसा फील हो रहा है। अभी ये स्टीयरिंग अभी गाड़ी में कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ इसको अभी चलने लायक दोस्तों बनाएगा। यहाँ पे आप लोग बैटरी का असेंबली भी देख सकते हैं कि बैटरी असेंबल करके एसी वाला ही हम लोग 12 वोल्ट का बनाया, क्योंकि अभी लिथियम आयन वाला बैटरी पे कोई भी डिस्कस नहीं हुआ। अभी फिलहाल जो गाड़ी को चला के हम लोग चेक कर रहे हैं हमारा गाड़ी कितना जो है एवरेज दे रही है, कितने देर में चार्ज हो रहा है, गाड़ी चलने में कैसी है, सारा कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग गाड़ी को जो थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और इसका नाम भी हम लोग सोचेंगे कि इसका क्या नाम रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको जो है एक बार ड्राइविंग करके देखता हूँ कि गाड़ी चलने में कैसी, अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा और जो यहाँ पे भैया लोग हैं उनसे भी आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो चलिए गाड़ी को एक बार चला के देखते हैं। देखते हैं कि मैं यहाँ पे बैक गियर लगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी जो रिवर्स लेना है तो यहाँ पे मैंने बैक गियर इसको लगा दिया है। तो चलिए हम गाड़ी को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बटन दिया हुआ है तो ये 1 2 3 है। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा दे, क्योंकि अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि कैसे इसको चलाया जाएगा। तो वो सारा कुछ मैं आप लोग को वीडियो में समझाता हूँ तो कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके, सारा कुछ असेंबली कर चुके, हम लोगों ने हैंड ब्रेक भी यहाँ पे गिरा दिया और बैक गियर यहाँ पे लगा दिया। सिंपली इस गाड़ी को कुछ नहीं करना है, बाकी यहाँ पे आप इसको जो है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर कोई सा भी नंबर में कर देना है। तो मैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर में इसको कर दिया। वहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीलेटर पैडल है जो कि मोटर वगैरह के साथ गया था, तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे फिट कर दिया गया। तो चलिए इसको हम प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा कि गाड़ी हमारी बैक हो रही है। गाड़ी अभी मैंने बैक गियर लगाया तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चली है। तो अभी मैं आप लोग को फिर से यहाँ पे बैक करके दिखाता हूँ, तो गाड़ी बहुत अच्छे चल रही है। तो गाड़ी फाइनली रोड पे चल रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही स्मूथ चल रही गाड़ी। गाड़ी में आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी कौन ड्राइविंग करा, सारा कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दोस्तों गाड़ी हमारी रोड पे चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। यहाँ पे बैटरी भी देख सकते हैं, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है और यहाँ गाड़ी देख ही सकते हैं कि कौन चला रहे। तो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी। Always have a vision, I go by at night. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि फाइनली हमारी गाड़ी जो रोड पे चलने लगी, मैंने भी चलाया, रोशन भी अभी ने चलाया, सब लोगों ने, जितने भी टीम मेंबर्स है सभी लोगों ने गाड़ी को चलाया। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। अभी खैर उतना ज़्यादा स्पीड नहीं चल रही, अभी उसमें 75% ही दोस्तों काम हुआ है। मेन काम जो है बैटरी का, क्योंकि उसमें लिथियम आयन नहीं, हम लोग लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगाने वाले। वो बैटरी भी कितने का था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, वो सब भी मैं आप लोग को इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी पे आएगा कि उसमें जब भी हम लोग जो नॉर्मल बैटरी होता है एसीड वाला, उसी को असेंबल करके चला रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा वो भी बहुत अच्छा एवरेज दे रही थी। हम लोगों ने गाड़ी को 20-25 किलोमीटर चलाया, जैसा कि आप लोगों ने रोड पे देखा, उससे जो है जनरली थोड़ा बहुत हम लोग काम भी अभी उससे करते, बहुत ज़्यादा चलने में स्मूथ है। और 20-25 हम लोगों ने मैप से ही देखा तो 20-25-30 का स्पीड अभी हम लोग को दे रही है, जो कि 5 नंबर गियर में हम लोग लगा के देखा है। और फाइनली दोस्तों हम लोग का प्रोजेक्ट जो 75% कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और इंडिया का नहीं, पूरे इंटरनेट का फर्स्ट ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि एक चीप गाड़ी में, जो कि सेंट्रो गाड़ी है उसमें चीप बहुत ही सस्ती गाड़ी है, उसमें बहुत ही पुरानी गाड़ी, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगा के इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना। बस दोस्तों आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग ऐसे ही नई से वीडियो दोस्तों आपके लिए लाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नई से वीडियो देखने के लिए दोस्तों अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अलविदा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।